लोकसभा 2024 की चुनाव की डेट आ चुकी है और उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में चुनाव होगा। ऐसे में हम अभी आजमगढ़ में, क्योंकि आजमगढ़ की सीट काफ़ी हॉट मानी जा रही है, जब से धर्मेंद्र यादव समाजवादी पार्टी से यहाँ पुनः प्रत्याशी बनाए गए हैं और भाजपा के द्वारा पुनः प्रत्याशी निरहुआ को बनाया गया, जो वर्तमान में सांसद है उपचुनाव जीत के। ऐसे में आजमगढ़ की जनता से हम इस बार प्लान देखेंगे, क्या माहौल है जनता की, कौन बनेगा सांसद, क्या धर्मेंद्र यादव फिर इस बार जीत पाएंगे या नहीं, या फिर से निरहुआ जी आएंगे, आइए बात करते हैं। सबसे पहले आपका नाम क्या पड़ेगा भैया? हमारा नाम पुष्पेंद्र है। पुष्पेंद्र जी, इस बार आजमगढ़ में क्या माहौल है? आजमगढ़ में माहौल ही माहौल है। माहौल किसकी तरफ? क्या चीज, किस बारे में पूछ रहे हैं? सांसद के रूप में कौन आ रहा है? अब पार्टियां हमें लड़ रही हैं, कोई भी आए, अभी अभी तो माहौल बनना स्टार्ट हुआ है ना। भी आपका मत है, किसे जाएगा? ऐसे थोड़ी बता सकते डायरेक्ट किसी को। भाई जो विकास करेगा उसी पे जाएगा। कौन विकास कर रहा है? विकास जो करेंगे प्रत्याशी हैं, उसी में से किसी को दिया जाएगा। पहले आप देंगे तब तो वो आएंगे प्रत्याशी के रूप में। सांसद भाजपा के अलावा सब है। सबका भय सब है, सब है दिया है भाजपा छोड़ के। भाजपा को छोड़ के सबको देंगे? हाँ, जो योग ऐसे भाजपा में क्या बात है जो आप भाजपा से मन ना बना था? हम लोग स्टूडेंट हैं। हाँ, पेपर मन बनी जब काम सही हुई। काम नहीं हुआ आज हम तो भाई अब की बार नोटा दबाएंगे। अच्छा, नोटा? हाँ, क्यों भैया? क्योंकि लोटा में कुछ आ ही नहीं रहा है, नोटा ही दबाएंगे। नीरव जी नहीं दिए क्या लोटा? मोदी जी नहीं दिए? ना ना, आपको दिए हैं, आप बता दीजिए। आपको तो अपना काम कर रहे हैं भाई आप, अगर हमारे नहीं, कुछ ऐसा कुछ ना आते, कुछ ना वो सरकार के लोटा में नहीं दिए 10 साल। अच्छा ये बताइए, कौन सा हम लोगों के यहाँ जनवरी से लेकर आज तक जितने पेपर हो सब तो लीक हो गया, फिर हम लोगों को क्या चाहिए? रोजगार चाहिए, रोड चाहिए, रोटी कपड़ा मकान मूलभूत सुविधाएं जो मिल जाए, आसानी से मिल नहीं रही हैं, इसलिए हम लोग। अरे परिवर्तन है ही, कौन सा इनसे वो है? 400 पार इस बार दावा कर रहे हैं आप। हम कहते हैं हम IAS हैं, मान ला, और ये धरती पुत्र। ये क्या विचार? विचार यही है कि परिवर्तन मांग रही जनता, और क्या मांग रही है, और क्या। मोदी जी 10 साल में बढ़िया काम। मोदी जी ठीक है, बसरते हम लोग, देखिए हम लोग स्टूडेंट है, वैकेंसी आती है, लीक हो जाता है पेपर, हम लोग कोई फायदा है इस समय? बोले 6 महीने में करवा देंगे, पता है 6 महीने में हो जाएगा, आप गारंटी देंगे 6 महीने हो पाएगा ज्वाइनिंग? दावा तो बहुत कुछ किए हैं मोदी जी, जब आए तो बोले हर वर्ष 2 करोड़ नौकरी, 15 लाख, क्या बात। हाँ तो पा रहे हैं, तभी ना आप लोग लेकर घूम रहे हैं, ये सब 2 करोड़ में आता है। परिवर्तन करें। हाँ, धर्मेंद्र यादव और नीरव जी में कौन टक्कर में लड़ाई में रहेगा? धर्मेंद्र यादव की इधर से, धर्मेंद्र यादव सपा से कैंडिडेट है, अखिलेश यादव के तेरे भाई हैं, तेरे भाई हैं, अगली बार उपचुनाव में लड़े थे नीरव से। टक्कर रहेगी भाई, दोनों लोगों में टक्कर है, टक्कर है, ये दोनों लोगों में ही लड़ाई रहेगी, और किसी में नहीं। और कुछ कहा नहीं जा सकता, कुछ 9-10 होगा, जो 10 है वो निकलेगा। 10 होगा? अरे भाई यार, जो 10 होगा वही निकलेगा, होगा 10। अरे भाई धर्मेंद्र, नीरव जी, नीरव भी कह रहे हैं, वो जी थी खुश भी नहीं है। हाँ तो और क्या भाई, सब है, टक्कर चल रही है ना, वो तो बदलता रहता है, फ्लक्चुएट करता रहता है। आप भाजपा से खुश नहीं, लेकिन भाजपा के प्रत्याशी को ही जिताएंगे। ये बतावा, नाम कहाँ बटे आपके? हमारा नाम सुधाकर विश्वकर्मा। सुधाकर विश्वकर्मा, दिन भर आपकी ये काम बा? हमारा जो कि काम करता हूँ, जो कि मैं चार चक्का काम करता हूँ। अच्छा, फोर व्हीलर का काम करते हैं, मैकेनिक काम करता हूँ। आजमगढ़ में काम माहौल में नीरव के और धर्मेंद्र यादव के? वो हमारे जो कि नीरव हमारे जो हैं, हम हाँ वो हमारे भक्त हैं। अच्छा, आपके भक्त हैं? हाँ, हम उनको मैं पूजा करता हूँ। आप उनकी पूजा करते हैं? हाँ, करते हैं। वो आपके लिए भगवान है? हाँ, भगवान हमारे लिए है। क्या ऐसी वजह दिखी आपको निरोग? ऐसा कि हमारे घर में खर्ची नहीं था। हाँ, वो बेचारू हमारे घर में जो कि फ्री राशन मिल रहा है, मोदी जी दे रहे हैं। हाँ, मोदी भी दे रहे हैं जी। हमारे घर में जो हमारी परेशानी है, जो कि देखभाल करते हैं बेचारे, जो हाँ निरव जी पर्सनल गए थे क्या आपके घर? हाँ, हम गए थे। हमको अगर हम 10-20 हज़ार मांगते हैं तो हमारे घर में खर्ची भी दे देते हैं बेचारू वो। अच्छा, वो हमारी जो मदद करते हैं, हमारे परिवार की मदद करते हैं, अब पूरी समाज को मदद करते हैं। वो हमारी 2:20 पर हमारी बाइक जल गई, हमारे घर के सामने बाइक जल गई 2:20 पर। वो बेचारू पुलिस भेजे, छानबीन करवा रहे हैं भाई उनका, मैं जो कि बहुत बढ़िया है हमारे लिए, अब उनको मैं वोट दूंगा। अच्छा, हाँ अच्छा, वोट आप देंगे? पूरी परिवार देगी मेरी।
ये बताइए जीत जाएंगे कि नहीं? वो पूरी उम्मीद है हमारी तरफ से, पूरी परिवार की तरफ से, वो जीत जाएंगे। अच्छा, पक्का जीत जाएंगे। धर्मेंद्र यादव हार जाएंगे? हाँ पक्का, ये माने कि हम उनका भक्त हैं। अच्छा, आप उनके भक्त हैं? हाँ भाई, हम उनका भक्त पूजा करता। क्या माहौल है इस बार आजमगढ़ में चाचा? बढ़िया है। कौन जीत रहा है आजमगढ़ से? कमल का फूल। राहुल गांधी। नहीं आप मत बोलिए ना, आप अपना कमल बोलिए, आप बताइए जो आपके मन में। हंस क्यों रहे जी? कौन आजमगढ़ से जीत रहा है? वही नीरव जीत रहे हैं। नीरव जी? हाँ कहा है नीरव जी जिता रहे हैं फिर से। अखिलेश धर्मेंद्र यादव क्या है? अखिलेश यादव का समाजवादी का गढ़ कहा जाता है? ये आजमगढ़ सपा का गढ़ कहा जाता है? हाँ हाँ, तो कुछ काम किए हैं नीरव जी। हाँ कौन काम करें थोड़ा सा? अरे किए हैं, बताइए ना। क्या भाई साहब बता रहे थे ना? तो उनके परिवार के लिए पर्सनल किया है, आपके लिए भी कुछ किए हैं? नहीं, हमारे लिए कुछ नहीं किए। तो क्यों नीरव जी खुश है इतना? क्या दे दिए आपको या आजमगढ़ के लिए आजमगढ़ इतना खुश है? होगा कुछ। अच्छा आप बताएंगे नहीं, लेकिन हंस रहे हैं। दाल में कुछ काला वाला है क्या? नहीं, दाल में काला क्या रहेगा? यानी आप नीरव जी को वोट देंगे? चलिए ठीक है। आपका भैया? हमारा भी नीरव है। नीरव जी क्यों? जी सपा का गढ़ में भाजपा का कैसे उठ? सपा तो 10 सीट, 9 में से 10 नोट ले गई है, एक ही सीट है। मोबाइल लिया बता रहे यहाँ पर? हाँ मोबाइल मिला लिया जो ना कि बंद हो जाता हो। स्मार्टफोन वाला? हाँ। स्कूल में? हाँ वहाँ मिला? लड़की को? दुकान पे मिला है, लड़की को मिला है स्कूल से, हमको यहाँ से मिला। कौन दिया? नीरव जी दिया। अरे ये बताइए आजमगढ़ में कौन जीत रहा ये बता दीजिए। उसकी पार तो नीरव जीतेंगे। इसके पहले भी जीते थे? इसके पहले तो लड़ाई अलग थी। अब लड़ाई ना होगा? ना अब ना लड़ाई। क्यों लड़ाई नहीं? धर्मेंद्र यादव तो फिर से आ गए हैं, वही धर्मेंद्र यादव तो जो चुनाव में आ रहे थे। जीत के चल रही है लखनऊ, दिल्ली चल रही है। नीरव तो जीत के गाजीपुर जा सकते हैं? अरे ना जाइ है, पीछे कह सकते तब ना जाइ है। क्यों? जब नीरव नहीं जाएंगे तो भी नहीं जा सकते ना के धर्मेंद्र यादव, वो कहाँ जाइए? वही लोग 10 साल से लोग जीत के भाग गए लखनऊ, कब आईबा ना कल आजमगढ़ में। 10 में से 9 सीट जो है ना कि सपा का। तो विधायक जीता है, सांसद कहाँ जीता है? सांसद यहाँ तो सपा का गढ़ है। विधायक तो यही आजमगढ़ का है ना? विधायक आजमगढ़। जो सांसदीय चुनाव है, इस सांसदीय में धर्मेंद्र यादव, अखिलेश यादव चचेरा भाई है, धर्मेंद्र आवत है चुनाव में। तो तू कहा था जीत के लखनऊ भाग जाइए? हाँ, तो निरहुआ हो सके तो नौ भाग जाएंगे। निरहु ना जाएंगे, निरहु जीती है आपकी पार्टी। निरहु जीती है? कहा धर्मेंद्र यादव ना जीता होता? अकेले से यादव होता तो कुछ लड़ाई हो जाती। अखिलेश यादव उस दिन तब लड़ाई? हाँ लड़ाई तगड़ा हो। धर्मेंद्र यादव की मानत है? धर्मेंद्र यादव कौन है? ना हम तो ना जान। ना जान हाँ चाचा, बाहर आ जाओ, इधर आ जाओ। आजमगढ़ का माहौल बा? आजमगढ़ बंगाल का। अच्छा बंगाल का है? अच्छा चाचा बंगाल जीते। फिलहाल आपने देखी हमारी रिपोर्ट आजमगढ़ में। आजमगढ़ में लड़ाई तो टक्कर की है भैया, क्योंकि एक तरफ धर्मेंद्र यादव और दूसरी तरफ दिनेश लाल यादव नीरव जी, दोनों यादव बिरादरी से कैंडिडेट है। एक तरफ समाजवादी पार्टी, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी। इस वक्त वर्तमान में सांसद नीरव जी हैं जो चुनाव में जीते थे, एक वर्ष उनका कार्यकाल रहा। अब फिर वही प्रत्याशी हैं और फिर वही जगह है, देखते हैं कौन जीतेगा। हर जगह की रिपोर्ट अलग अलग आ रही है, कोई नीरव जी को जिता रहा है, कोई धर्मेंद्र यादव को जिता रहा है। अब चुनाव मतगणना होने के बाद पता चलेगा कि कौन जीतेगा यहाँ पे। फिलहाल अगर आजमगढ़ से आप हैं तो कमेंट करना किसे सपोर्ट कर रहे हैं। तब तक के लिए मिलते किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। तुम वंदे मातरम।